और जयपुर के किशनपोल इलाके में हिंदू परिवारों के घर के बाहर लगे पलायन के पोस्टर से हड़कंप मच गया, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। इलाके में रह रहे हिंदू परिवारों ने कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी पर उन्हें परेशान करने और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए। हम बहुत परेशान हैं, ये जब से आया है मतलब हमारी ताई जी वगैरह वो सबको परेशान कर रखा है। वहीं बीजेपी ने गहलोत सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए हिंदुओं के पलायन को रोकने की मांग की। और इस बीच महाराष्ट्र के अकोला में हुई हिंसा की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस की जांच में साजिश की एक एक कड़ियों को जोड़ा गया और फिर साजिशकर्ता को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। वहीं इस हिंसा के पीछे गहरी साजिश सामने आई। पहले एक विवादित चैट को वायरल किया गया, फिर लोगों के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी करेगी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस घटना के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है और पूछताछ लगातार जारी है, ताकि मास्टरमाइंड के बैकग्राउंड के बारे में पता किया जा सके। और इधर इजराइल में नए कानून के खिलाफ एक बार फिर से लोगों का गुस्सा जबरदस्त तरीके से भड़क गया और वहां के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के विरोध में हजारों लोग तेल अवीव शहर में सड़क पर उतर आए और इजराइल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ से सड़क जाम कर दिया और पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। वहाँ इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं बची। काफी देर तक वहाँ प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते रहे और हर तरफ सिर्फ गुस्साई भीड़ नजर आई, जिससे वहाँ रास्ता बंद हो गया और बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। असल में वहाँ नेतन्याहू सरकार ने न्यायपालिका के अधिकारों को कम कर दिया, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन पिछले 2 महीने से जारी है। उत्तर प्रदेश के एटा में दर्दनाक हादसे की खबर मिली। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक मोटरसाइकिल को रौंद दिया, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। और इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार बस एक मोटरसाइकिल को घसीटते नजर आई। बताया गया कि बेकाबू बस मोटरसाइकिल को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटती ले गई। वहां मौजूद लोगों ने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ड्राइवर बस को तेज गति से दौड़ाने लगा, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने धर दबोचा। वहीं हादसे में मोटरसाइकिल सवार आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। और इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहां सामान से लदा हुआ एक ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। हाईवे पर चलते ट्रक से अचानक से ही चिंगारी उठने लगी, जिसके कुछ मिनट बाद ही आग पूरे ट्रक में फैल गई और ट्रक से धधकती आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आई। बीच हाईवे पर तेज आग को देखकर वहां से गुजर रहे लोग खौफ से भर गए, जिसकी जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मी आग बुझाते नजर आए। लेकिन आग इतनी तेज थी कि दमकल कर्मियों को इसे काबू करने में पसीने छूट गए और इस दौरान गाड़ियों का आना जाना भी रोक दिया गया, जिससे काफी देर तक हाईवे पर जाम लगा रहा। हालांकि आग की वजह से कोई घायल नहीं हुआ, वहीं ट्रक में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। इधर कांगो में सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। कई इलाकों में भारी तबाही भी हुई और प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई, जिसके बाद जख्मी प्रदर्शनकारियों को स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पुलिस सड़कों पर दिख रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस की टीम हिंसा रोकने में नाकाम रही। हर तरफ हिंसा और आगजनी की गई, लोग इधर से उधर भागते भी नजर आए। हर तरफ बिखरा सामान और हिंसा की वजह से लोगों के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और उधर श्रीनगर में होने वाले G20 की बैठक से पाकिस्तान पूरे तरीके से तिलमिला गया है। हमले को अंजाम देने के लिए ISI और आतंकियों की साजिश लगातार जारी है।